नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी सूर्य ग्रह के ऊपर, अशुभ फलदायी शुभ फलदायी दोनों के ऊपर। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्रमा मन का कारक, जिनके चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में वो खुशी रहेंगे, जिनके चंद्रमा खराब नक्षत्रों में वो हमेशा परेशान रहेंगे। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जिनके भी चंद्रमा उनको अशुभ फल दे रहे हैं वो ये कैसे जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी भ्रांति में आपने ये नहीं आना। जो लोग आपको कहें जी अष्टम में है, जी द्वादश में है, यहां है, थर्ड में है, सेकंड में है, उच्च के हैं, नीच के हैं, इन सब भ्रांतियों से आपने दूर रहना है। आप स्वयं जान सकते हैं आपका चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में है या नहीं, ये क्या उसके क्या लक्षण होंगे ये मैं आपको बताता हूं। जिन भी लोगों का तन सो रहा है पर मन 24 आवर जाग रहा है तो समझ जाइए आपका चंद्रमा आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है। जिन भी लोगों के पास धन आता तो है पर रुकता नहीं तो ये भी क्या है, आपका चंद्रमा खराब नक्षत्रों में। जिनका मन जल्दी जल्दी विचलित होता है, हाथों में पसीने आते हैं, कहीं ना कहीं पल में तोला पल में माशा, समझ जाइए कि चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में नहीं। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी माता जी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं माता जी से रोज बहस हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा खराब नक्षत्रों में है, आपको अशुभ फल दे रहा है। यदि आपके घर में पानी, यानी नॉर्मली पानी कई बार क्या होता है, कुछ घरों में तो प्रॉपर पानी आ रहा होता है और कुछ घरों में ऐसा होता है कि बार बार पानी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नल खराब हो जाते हैं या निरंतर पानी बहता रहता है, नल में से टप टप बूंदे बहती रहती हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आप स्वयं अपना चंद्रमा खराब कर रहे हैं। यदि आपके घर में ओवरहेड टैंक, जो ऊपर छतों पे जो टैंक्स हैं, आप मोटर ऑन करते हैं पानी भर जाता है और पानी बिखरता रहता है, तो आप स्वयं अपने उस चंद्रमा को खराब कर देंगे। बाई चांस आपकी कुंडली के अंदर वो ठीक ठाक भी बैठा हो और आपके ऐसे लक्षण ना हो, तो वो ऐसे में आप अपने चंद्रमा को स्वयं खराब कर रहे होते हैं। जिन भी लोगों का विद्या में बिल्कुल मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है, पढ़ने बैठेंगे ध्यान कहीं और जा रहा है, तो आप समझ जाइए आपका चंद्रमा खराब नक्षत्रों में आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है। यदि आपके घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आप समझ जाइए चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में नहीं है। माता या माता तुल्य औरतों से हमेशा कहीं ना कहीं संबंध खराब रहते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा बहस रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपका चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में नहीं है। परंतु जैसा मैंने बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका कारण है, भगवान ने हमें बैलेंस करने के लिए, कर्म करने के लिए यहाँ भेजा है और हम छोटे छोटे उपायों से अपने उन कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं। एक ही चीज बोलता हूं और हमेशा बोलता आया हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने आने वाले जीवन की जो भी समस्याएं आपको आएंगी उनको संभाल अवश्य सकते हैं। तो देखिए, जिन भी लोगों को लगे कि चंद्रमा खराब नक्षत्रों में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो वो एक काम कर सकते हैं, रोज अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल, वेस्ट करने को नहीं कह रहा, मात्र एक चम्मच आधा चम्मच कच्चा दूध प्लस गंगा जल डाल करके यदि वो नहाते हैं तो वो देखेंगे उनका मन बड़ा शांत होता चला जा रहा है, बड़ा शीतल होता चला जा रहा है, चंद्रमा उनका अच्छे नक्षत्रों में आता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाएगा। हो सके नहाने का साबुन चंदन की खुशबू वाला प्रयोग करें, सफेद चंदन का माथे पर तिलक लगाएं और चंदन की खुशबू वाली धूप यदि वो घर में सुगंधित करते हैं, पूरी जगह फैलाते हैं, तो देखेंगे उनका चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। पानी को कभी वेस्ट ना करें, जब भी हो पानी, अगर आपके घर में कोई भी नल है टप टप बह रहा है, कुछ प्लम्बर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको ठीक करवाइए, पैसे का इंतजार मत करिए। यदि वो आप पानी बहने देंगे तो आपके धन का भी नाश होगा, तो सबसे पहले उसी को ठीक कराएं, उससे आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सके जो टंकी ऊपर होती है उसमें अलार्म या पानी का ध्यान रखें, अलार्म लगवाएं कि वो पानी वेस्ट ना जाए, ताकि आपका चंद्रमा खराब ना हो। कोशिश करें माता तुल्य औरतों से संबंध अच्छे रखें, उनका पांव छू करके रोज यदि आप आशीर्वाद लेते हैं तो आपको उससे बहुत लाभ होगा, आपका चंद्रमा बहुत उत्तम नक्षत्रों में धीरे धीरे होता चला जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। तथा चावल या दूध का दान किसी गरीब जरूरतमंद को यदि आप करते हैं तो आपका चंद्रमा और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ज्योतिष आचार्य जतिन सहगल, YouTube चैनल समस्याएं आपकी समाधान हमारा। नमस्कार।